वहीं जितिन प्रसाद ने आज आडवाणी और आजम खां के रूठ ने कोन का नाटक बताया और कहा कि देश प्रदेश की जनता जानती है कि रूठ मनाने की राजनीति नहीं चलने वाली। ईटीवी संवाददाता प्रशांत पांडे ने जितिन प्रसाद से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सत में आजकल रूठने और मनाने का दौर चल रहा है। आडवाणी जी रूठे हुए हैं बीजेपी में और उनको मनाया जा रहा है। आजम खां रूठे हुए हैं समाजवादी पार्टी में और उनको पार्टी मनाने में लगी हुई है। जितिन प्रसाद जी हमारे साथ हैं। जितिन जी, क्या लगता है दोनों लोग रूठे हुए हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी में भी कोई रूठा है आपको नजर आ रहा है? कांग्रेस पार्टी में कोई रूठा नहीं है, मगर ये जो लोगों की बात आप कर रहे हैं, जनता देश की प्रदेश की सब जानती है। ये रूठने से कोई काम चलेगा नहीं। ये अपने को दूध का धुला हुआ साबित करना चाहते हैं। अरे कठोर फैसले लें, इस्तीफे दें, अपने पद छोड़ें, सुख छोड़ें, सत्ता छोड़ें, तो जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। अगर गलत हुआ है तो उसमें कुछ कठोर कार्रवाई करके दिखाएं। रूठने से कुछ नहीं चला। मोदी जी को लेकर वाणी बिल्कुल रिजिड नजर आ रहे हैं, तो कुछ आपको पॉलिटिकली क्या लगता है उसको लेकर? कुछ नहीं, पॉलिटिकल बात आप है, एक बच्चा जानता है कि जो आदमी कठोर हिंदुत्व की राजनीति करता था और किया है और पूरी रथ यात्रा से लेके यहाँ पे जो माहौल खराब किया है देश में, आज वो सेक्युलर बनने की कोशिश में है। तो ये सब इनके पूरी उससे वाकिफ है, जानते हैं कि क्या इनकी मंशा है। आजम खां इधर नाराज चल रहे हैं यूपी में, आगरा में नहीं गए, पांच सितारा होटल में इनकी वो चल रही थी उसको। पांच सितारा होटल में नहीं गए, मगर पांच सितारा सचिवालय में मंत्री कैबिनेट के बने हैं। अगर इतना ही दर्द है और इतनी लगता है कि उनकी सरकार में गलत हुआ है तो कौन जिम्मेदारी ले रहा है, किसकी जिम्मेदारी फिक्स की है? इतना ना यहाँ महीने भर से पूरे मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाके में भय, हत्या, लूट, तमाम दंगे हो रहे हैं, कौन जिम्मेदारी ली इसकी? रूठने से क्या काम हो जाएगा? पार्टी में भी कहीं कुछ, आपकी पार्टी में भी मकसूदन मिस्त्री जी ने एक रिपोर्ट भेजी थी कि मंत्री हैं कहीं ना कार्यकर्ताओं से दूर है, तो कहीं रूठे नहीं नजर आ रहे हैं वो? मंत्री हम भी हैं और ये हैं कार्यकर्ता, आप बताओ कि कितनी दूरी है। तो ये जितिन प्रसाद जी हैं, उनका कहना है कि जो सियासत चल रही है ये रूठने मनाने की, कांग्रेस पार्टी से कोई रूठा नहीं है और जो बीजेपी या समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो रूठे हैं तो रूठे ही रहेंगे और ऐसे ही आगे सियासत चलती रहेगी। लखीमपुर खीरी से प्राण पांडे, ईटीवी न्यूज़।